बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله अल्लाह ताला के शैतान मर्दूद के शर से अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला, उसने इंसान को ठीकरी जैसी बजने वाली सूखी मिट्टी से पैदा किया और उसने जिन को बगैर धुलने वाली आग के खालिस शोले से पैदा किया। तो ऐ जिन्नो इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और वो दोनों मशरकों का रब है और दोनों मगरबों का रब है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उसने दो समंदर बहाए कि दोनों मिले हुए लगते हैं, उनके दरमियान एक आड़ है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते, तो तुम उन दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। उन समंदरों से मोती और मरजान निकलता है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इब्तिदा है रब्बे जुल जलाल के पाको बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है, और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आकाए दो जहां सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन साहिब काबे कौसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से हमने पाकिस्तान भर में तमाम मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े को मुकम्मल किया और आज रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोज़े का जो है आगाज़ हो चुका है। हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोज़े की बरकतें और रहमतें जो है वो बिलाशुबा समेट रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको सारी उम्मत मुस्लिमा को इस माह मुबारक के तकद्दुस का ख्याल रखने की और इस माह मुबारक में नाजिल होने वाली रब ताला की जानिब से रहमतों के हुसूल का हकदार बना दे। इस सिलसिले में हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जानिब से मदद फरमाएं। नाजरीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम में ईमान रमज़ान जो एएनएन न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन है, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा फ़ज़ाइल कुरान। जैसा कि कल भी कारी साहब ने जो है वो अल्लामा साहब ने फरमाया कि रमज़ान और कुरान का ख़ास ताल्लुक़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ानुल मुबारक में ही कुरान हकीम का नुज़ूल फरमाया और मुफस्सिरीन के मुताबिक लौहे महफूज से कुरान मजीद आसमान दुनिया पर सिर्फ एक रात में नाजिल हुआ और वो रात रमज़ानुल मुबारक की लैलतुल क़द्र की रात थी। बाद अज़ा इसे वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के रसूल महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर नाजिल फरमाया गया। नाजरीन, कुरान मजीद के हवाले से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। इसकी तिलावत के हवाले से, इसके फ़ज़ाइल के हवाले से और इसकी बरक़ात के हवाले से। लेकिन इससे पहले जो है वो मैं आपको मेहमानों का तारुफ भी करा दूं और हमारे जो है वो मेहमान ख़ास आज भी जो हैं वो अल्लामा आशिक हुसैन सईदी साहब। हम इनसे फ़ज़ाइल कुरान पर गुफ्तगू करेंगे। इन्हीं की आवाज़ में अभी जो है वो आपने तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाई। बहुत बिलाशुबा बहुत खूबसूरत अंदाज़ और बड़ी प्यारी आवाज़ अल्लाह ताला ने इनको अदा फरमाई है। जैसा इनका अंदाज़ है समझाने का, उसी तरह से जो है वो ये बड़ी प्यारी किरत के साथ तिलावत कलाम पाक भी फरमाते हैं। अल्लाह ताला जो है वो इनकी इन काविशों को, इनकी इन इबादतों को और जो ये हमारे साथ शफकत फरमाते हैं इसको जो है वो कबूल मंजूर फरमाएं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ सना खान मुस्तफ़ा मौजूद हैं, मोहम्मद फरहान कादरी साहब। मैं आप दोनों हजरात को जो है वो अपने आज के इस प्रोग्राम में, इस रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। हम आगे बढ़ेंगे और मोहम्मद फरहान कादरी से जो है वो नात भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमदे बारी ताला पेश फरमाएं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी है सरवर दी का प्यारा है, वो जो बिलाल हबशी है सरवर दी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए जितने उन पर सीने पर रखा पत्थर, फिर भी जुबां पर जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी बल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कलाम पेश कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मोहब्बत का इजहार और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने जिस तरह से जो है वो इस कलमे से मोहब्बत का हक़ अदा किया और ख़ुसूसन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितनी तकलीफ़ें सही उसका जिक्र भी हो रहा था। नाजरीन, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया कि हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू कुरान और फ़ज़ाइल कुरान है। हम आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक क्या था, उनकी सीरत क्या है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक बिलाशुबा वो कुरान ही है। ज़िक्र हो कुरान का और साहिब कुरान का ज़िक्र ना हो, ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है? हम एक दफ़ा फिर मोहम्मद फरहान रफ़ीक से गुजारिश करेंगे कि हदिया नात बहजूर सरवर कौनैन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन पेश फरमाकर हमारे दिलों को आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से मुनव्वर फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। में आगे बढ़ेंगे और अल्लामा ख्वाजा आसिफ हुसैन सईदी हमारे साथ रिसर्च फरमाते हैं, हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि कुरान मजीद का मुसलमानों पर हक क्या है और ये किस तरह से जो है वो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। हम अपने ताल्लुक़ को कुरान मजीद से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लेनी है एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जो है वो अल्लामा साहब से गुफ्तगू करें।